देख सकते हैं रोजगार मेला काफ़ी मस्त तरीके से लगा हुआ है और आपको दिखाते हैं बताते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, मस्त तरीके से लेकर और बताने वाले हैं, तब तक के लिए इंजॉय करते रहे हमारे वीडियो में बने रहिएगा। रोजगार मेले का उद्घाटन करने की कृपा करें, धन्यवाद। तालियों से स्वागत होगा, कैंडल जला के डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम जो लग रहा है। आज इस रोजगार मेले के अवसर पे हमारे जिला में जो पुत्र युवा कार्यक्रम के तहत क्वालिटी सेंटर चल रहा है, जहां बच्चे निशुल्क में कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारे रोहतास जिले में 70 और आज उस 70 केंद्र में से 3 केंद्र जो जिला में बहुत अच्छे हैं, उनको यहां पे हमारे अधिकारी के द्वारा प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटम दिया जाएगा। गाइज, अगर रोजगार मेला में आते हैं ना तो आप लोग सोच के, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें रोजगार मेला में ये है ना गाइज, 10 से नीचे आपको मिलेगा फाइनली, मतलब 10,000 से नीचे मिलेगा कि, और मतलब देख सकते हैं जो भी आप किए होंगे कोर्स वोर्स उसका आप मतलब ले लीजिएगा सब चीज़। आपको दिखाई दिया, बताई दिया कि क्या क्या लग रहा है, जमा वमा हो गया तो जमा करना कोई खास बात नहीं था, बस डायरी में लिखा जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं थोड़ा सा, और उसमें कुछ मांगेगा बोलेंगी और बस, रोजगार मतलब कुछ खास नहीं है। 10,000 मतलब आना दैट इज़ नॉट अ बेटर, मतलब अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। और मैं बता दूँ आप लोगों को कि कुछ थोड़ा बहुत अच्छा भी है, जो अगर 10-15,000 के लिए थोड़ा बहुत आप करना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं करने के लिए। और देख सकते हैं सभी बैठे हुए हैं, तो इधर का भी दिखा दें, इधर के भी, और यहाँ मतलब बहुत लोग भी आए हुए हैं। और भाई यहाँ सभी लोग आते हैं, ये भाई भी जो मतलब विकलांग हैं लेकिन फिर भी ये नौकरी के चक्कर में आ गए हैं। आए बोल दीजिए आए, तो आप क्या लेना चाहते हैं नौकरी में, आप क्या लेना चाहते हैं? अरे नौकरी हमारे लिए है ही नहीं है, झूठा। आप मतलब नौकरी उकरी करने के लिए आए ना, ये लेने के लिए? हम योजनालय सारा योजनालय हमको दिया था। क्या दिया था? ये मैसेज तो आने के लिए बोला था, आने के लिए। अच्छा, नौकरी मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, नौकरी नहीं मिल रहा है, विकलांग के विकलांगों को प्रदान कर दिया। ओ भाई बहुत अच्छा बात बोल दिए, तो मतलब 500 रुपये हमारा लग गया आने जाने में, बताइए 400-500 रुपये इनका आने जाने में लग गया, और बोल रहे हैं ऊपर से विकलांग के लिए कोई नौकरी नहीं है। योजनालय भेज दिया मोबाइल पर, मैं लो भाई, और मैसेज भी आ गया इनके पास। और बता दे आप लोगों को, अगर आप लोग मतलब विकलांग विकलांग होंगे तो आप लोग मत आइएगा गाइस, और नेक्स्ट टाइम लगने वाला। और हम आप लोगों को यही सूचना देना चाहूँगा, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं आपको, जैसे कि कुछ मतलब एक्स्ट्रा में कुछ मिले? हाँ कुछ नहीं मिला। क्या कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ओ भाई इनको कुछ नहीं मिला, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि 500 रुपया लगा के आए हुए हैं इस रोजगार मेला। आप सोचे कि सरकारी नौकरी लगेगा अधिक? हाँ, पढ़े लिखे उखे सब हैं आप, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ? भाई ये रोजगार मेला है जो मतलब सब चीज़ किए हुए हैं, फिर भी इनको नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ, मतलब विकलांग लोग हैं तो आप लोग नहीं आइएगा, ठीक है? और यहाँ से दिखा दे आप लोगों को। चलिए भाई, चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करिएगा नहीं आने के लिए। मैम लोग कुछ बैठे हुए हैं और यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स को लेके सब आधार वधार नाम लिखा रहा है, तो मैम लोगों से कुछ पूछते हैं, देखते हैं और आने वाला है। 1 वीक में आ जाएगा कॉल? अच्छा, तो मतलब ये सब फॉर्म वॉर्म जितना बार आ रहा है सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है? पेपर करते हैं आता है कि नहीं आता है, और टाइम यहाँ से देख सकते हैं कि रोजगार मेला काफ़ी भी जॉब है वो सब का मतलब लिस्ट किया गया है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या होता है, देख सकते हो। फाइन गाइज, आइए हम पूछते हैं यहाँ जॉब वॉब के बारे में, कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया है तो देखिए हम पूछते हैं। तो सर ये बताइए कि मतलब आप किस कंपनी से आए हुए हैं? एडवर्टाइज प्लस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा कंपनी है, जो प्रिंटिंग और विज्ञापन का कंपनी है। हम लोग अभी सेल्स और मार्केटिंग के लिए और ग्राफिक्स डिजाइनर के पद के लिए नियुक्ति कर रहे हैं, और हमारी कंपनी को इसकी टीम बनाने के लिए अभी लोगों की ज़रूरत है। ओके सर, मतलब इसका मतलब जमा कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, रिज्यूम जमा कर रहे हैं, वो क्या मतलब सही है, आएगा फॉर्म? रिज्यूम को रीड किया जाएगा और जो भी योग्यता हमें चाहिए हमारी कंपनी को, तो जो एबल होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे हम लोग, और विशेष बात करने पे अगर उनमें योग्यता दिखती है ऐसी जो जुड़ के काम कर सकें वो, तो दिए गए
मतलब सैलरी जो है फिक्स है सर, इतना ही मिलेगा शुरुआत के लिए, ये फिक्स है और बाकी उनमें समय के साथ जो योग्यता डेवलप होगा उसके हिसाब से उनका इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अच्छा सर ये बता दीजिए कि वहाँ रहना खाना सब काम नहीं कुछ नहीं, मतलब कंपनी के थ्रू रहेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं सिर्फ एक सैलरी है और उसके लिए जो टाइमिंग बना हुआ है उतना टाइम काम करना है और आपको सैलरी मिलेगा, अगर आप योग्य हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ रोजगार मेला जो लगा हुआ है और ये एक मतलब जो रोजगार नहीं करते हैं उनके लिए अच्छा है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि कहीं कहीं जो होता है कि नहीं दे पाते और होता है कि कॉल नहीं आ पाता है, तो आप लोगों को ऐसे आना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना भी चाहिए और जितने भी विकलांग लोग हैं हम कहेंगे नोट मतलब नहीं आना चाहिए। फाइनली अगर आप लोगों को बिहार रोजगार मेला जो है आप लोगों का सरकार द्वारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तब तक के हम नेक्स्ट